Okay, guys. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो भाई वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो यहाँ पर है इस समय। ओके, आई एम श्रीकांत त्रिपाठी और आज का हमारा जो सेशन है हम लोग उसको स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए भाई शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होने वाला है ये होगी जनरल साइंस पर एक बहुत ही अच्छी सी क्विज। ठीक है, अब रोजाना यूट्यूब के जो क्लासेस हैं हमारे मंडे टू फ्राइडे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोपहर को 2 बजे ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी का आपको क्लास मिलेगा। शाम को ये 3:30 नहीं 6:30 का टाइम है बेटा, ये शाम को 6:30 बजे आपको हिस्ट्री या फिर साइंस का आपको सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी आओ बेटा एकदम। आई एम श्रीकांत त्रिपाठी और मैं आपकी मेंटरिंग करूंगा आपकी एसएसबीज के लिए। कलेक्टिव एक्सपीरियंस बेटा मेरा 8 ईयर्स का है, कई सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, प्लस 10,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ। ओके, श्रीकांत सर शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस कोर्सेज ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। CDS, CAPF, AFCAT कैटेगरी के लिए रेगुलर लाइव क्लासेस, रेगुलर नोट्स, रेगुलर क्विजेस और बहुत ही अमेजिंग मेंटरशिप आपको मिलेगी। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सर जी बेस्ट बुक बताओ CDS के लिए। बेटा सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए NCERT उठा लो साइंस के लिए। ठीक है, NCERT एक बार कंप्लीट हो जाए ल्यूसेंट से प्रैक्टिस कर लो। ओके, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप है बेटा, एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर से, दोनों जगह में से कहीं से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर में से। ये यहाँ पर आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा। यहाँ पर 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप भाई 1 साल का जो 1 ईयर का जो आपका सब्सक्रिप्शन है जिसका कॉस्ट है 8,800 रुपीज, आप इसको परचेज करो। हालांकि अगर आप ये मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो श्रीकांत सर, तो इसके इस्तेमाल करने के बाद यही कोर्स आपको 7,920 रुपए का पड़ेगा। कई सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन के, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये मेरा अनअकैडमी पेज, यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी, रोजाना क्विजेस, लर्निंग जर्नी आप ट्रैक कर सकते हो, लाइव क्लासेस बहुत एंगेजिंग होगी, यहाँ पर PDF मिलेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको बहुत ही अच्छी मेंटरिंग मिलेगी। ओके, अगला ये मैंने जैसा आपको बताया मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर, यहां पर आपको मिलेगा 10% ऑफ। प्रियतम कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियतम। अरे भैया बाकी लोग भी आ जाओ यार, हाय हेलो कुछ तो कहिए। चलिए ठीक है, ओके सो स्टूडेंट्स, चलिए भाई यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा सेशन जो जनरल साइंस पर बेस्ड है। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर, पहला सवाल, राइबोसोम कौन सी प्रक्रिया का क्षेत्र है, राइबोसोम कौन सी प्रक्रिया का क्षेत्र है। पहला प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा फोटोसिंथेसिस, तीसरा फैट सिंथेसिस, चौथा रेस्पिरेशन। प्रोटीन संश्लेषण, ओके, प्रकाश संश्लेषण, वासा संश्लेषण, ओके, या फिर रेस्पिरेशन। जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा, जल्दी से कमेंट्स में अपने आंसर आने चाहिए। विश्वजीत बेटा चालू होगा बॉडी टीच बेटा, फॉर्म प्रोबेबली आपका जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट में आएगा। विश्वजीत गुड मॉर्निंग, ए टेक्नो गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग बॉडी टीच, जल्दी से बताओ बेटा, 1 सेकंड आया बस। ओके शिव सिंह, यस गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो भाई यहां पर हम लोग बचपन का ये समझिए, जब छोटी क्लासेस में थे हम लोग तो राइबोसोम्स के बारे में पहली बार कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़ा था। वहां पर हम लोगों को एक चीज पता चली कि भैया
ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं दे आर व्हाट, दे आर अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनता है यहां पर? प्रोटीन बनता है। अरिवास गुड मॉर्निंग, बोरिंग गुड मॉर्निंग, क्या नाम रखे हो यार, बोरिंग बढ़िया नाम है। सो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात ध्यान रखिएगा यहां पर आप लोग। ओके, ये चीज समझिए। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहली बार इनको ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पलाद ने। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है उनको। अगला सवाल, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोस, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर लाइपोप्रोटीन्स? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। कम ऑन गाइस, ब्रिंग द जोश यार, एकदम थोड़ा मोटिवेट होकर के। हाँ मजे में यार, बढ़िया एकदम, अच्छा अच्छा कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, सुबह सुबह का टाइम है यार एकदम। कह रहे हो कि जबरदस्ती जगा दिए सर ने, बढ़िया करके आइए। और यार देखो यही बात, वीडियो लाइक ही नहीं हुआ, इतना आदमी देख रहा, 8 लोग लाइक किया है बस। अरे वीडियो वीडियो लाइक करिए भाई। ओके, प्रमाणिक बी, विश्वजीत सेज ए, अरिवास का आंसर आया है बी। ओके, बाकी लोग भी अपने अपना आंसर दीजिए भाई जल्दी। किस चीज का बना होता है? द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ गाइस सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का बना होता है। ओके, सेल्यूलोस के बारे में एक चीज और बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेल्यूलोस इज द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। ओके, ये चीज चलिए। ओके, तो बॉडी टीच सेज ए, बोरिंग का आंसर आया है ए, ए टेक्नो सेज ए, ब्रिजेश एकदम सही, उत्तम पैरा कमांडो ए, बिल्कुल सही, मी सर बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगले सवाल पर, अगले सवाल पर जल्दी से। वीडियो लाइक नहीं हुआ है अभी तक, इतना आदमी देख रहा है, अभी बहुत कम लोग लाइक किया, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स शो सिमिलैरिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? नन ऑफ दीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आपका पढ़ा ई का, आप सर आपका पढ़ा, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ब्रिजेश का जवाब निकल करके आया है यहाँ पर बी, अधिवास कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बॉडी टीच का जवाब है बी, प्रमाणिक कह रहे हैं यहाँ पर बी। ओके, देख लेते हैं, सिमिलैरिटी होती है बेटा यू एकदम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स शो सिमिलैरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलैरिटी एकदम निकल करके आता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है अपना। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ अपना सिमिलैरिटी दिखाता है। बॉडी टीच, माय नेम इज दिनेश सिंह, बिल्कुल दिनेश, चलिए दिनेश ठीक है। सो भाई दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का दोनों जो है वो सिमिलैरिटी दिखाता है अपना, किसके साथ? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। अगला सवाल पे आते हैं जल्दी से। इन व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनाप्सिस टेक्स प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? ऑप्शन यहां पर आपको देकर के रखे हुए हैं, लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज। ओके, लेप्टोटीन, पैकेटीन,
पाइकिटीन, जेगोटीन, मेटाफेज। जल्दी से बेटा आंसर बताओ इसका। जल्दी जल्दी बताइए। ओके ये आए हैं आंसर्स आप लोगों के। ठीक है ओके चलिए यहां पे जवाब निकल कर क्या रहे हैं। ओके विश्वजीत, यस आपके नाम से अंदाजा लग गया, मेरा भी एक फ्रेंड है बेटा विश्वजीत जिसका नाम ओके वो मोहती। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइस यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन वो स्टेज होता है जहां पर सिनेप्सिस आपका शुरू होता है। सिनेप्सिस जैसे कि आप यहां पे देख लीजिए। अब आप ऐसा समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये समझिए कि भाई प्रोफेस जो होती है मियोसिस की। हेलो अंजना, संदीप, संदीप पॉटर, ओके संदीप पॉटर उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया बेटा हम भी वहीं से ही। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पांच स्टेजेस होती है बेटा। जो जाइगोटीन स्टेज होती है ना बेटा, जो जाइगोटीन स्टेज होती है वहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम्स है उनके बीच में पेयरिंग होती है और उसी पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं आपका सिनाप्सिस। ठीक है सिनाप्सिस नाम देते हैं उसको। अगला, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड गेट अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तुर्क रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। ओके स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड अटैच्ड टू क्रोमोसोम, ताक्रु रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन है मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या फिर टेलोफेज बताइए। करेक्ट आंसर यहां पर आपका जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन जो है आपका मेटाफेज। भाई ये जो पूरी की पूरी सेल साइकिल होती है ना बेटा, सेल साइकिल जो है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहला होता है इंटरफेज, वो फर्स्ट स्टेप है अंजना एकदम सही बेटा। दूसरा जो फेज होता है बेटा वो होता है एम फेज या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। एम फेज या फिर डिवाइडिंग फेज। अब ये जो एम फेज है जिसको माइटोसिस भी बोलते हैं, इसके चार हम लोगों ने फेजेस बना करके रखे हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है प्रोफेज शुरुआत होती है, मेटाफेज वो जगह होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ आकर के
जुड़ता है. द स्टेज इन सेल डिविजन दैट कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज, G2 फेज इज कोशिका विभाजन के चरण में, जिसमें वह चरण जिसमें G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था शामिल होती है. ओके राजदास, जल्दी नेक्स्ट. ओके बेटा, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या फिर इंटरफेज, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का. कौन सा फेज होता है सेल डिवीजन में जिसमें हमारे पास G1, S फेज और G2 ये तीनों फेजेस होती हैं, जल्दी से बताइए. ऑप्शन ए मेटाफेज, बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए. राज, अंजना, संदीप, विश्वजीत, सब लोग अपने अपने आंसर दीजिए प्रामाणिक. ओके ए, अंजना का भी आंसर आया है ए, चलिए चेक कर लेते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी डी गाइज, इंटरफेस वो जगह होती है. ओके इंटरफेस तीन हिस्सों में बटा हुआ, इंटरफेस G1, S फेज और G2 फेज, ठीक है. या एकदम उत्तम करेक्ट आंसर. अगला सवाल, इन प्लांट टिश्यूज द सेल वॉल्स ऑफ डैश आर कोआगुलेटेड बाय ट्यूबरिन व्हिच मेक्स देम इंपरवियस टू गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. इन प्लांट टिश्यूज डैश की कोशिका की दीवार सुब्रिन द्वारा समन्वित होती है जो उन्हें गैस और पानी के अणुओं के लिए अभेद्य बनाती है. ऑप्शन है एपिडर्मिस, कॉर्क, स्टोमेटा, फ्लोएम फाइबर. उपतत्व कॉर्क, रांध्र या फिर फ्लोएम फाइबर, जल्दी से आंसर आए बेटा, जल्दी से आंसर लाइए. करेक्ट आंसर बताइए जल्दी जल्दी. कम ऑन गाइस, सुबेरिन, सेल वॉल ऑफ डैश आर कोएगुलेटेड बाय सुबेरिन. सुबेरिन प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है सुबेरिन? प्रेजेंट होता है भैया आपका इन कॉर्क, CORK, कॉर्क में आपका प्रेजेंट होता है. यस एब्सोल्युटली, इन प्लांट टिश्यू, वेरी वेल अरिवास. In plant tissues, the cell wall of cork are coagulated by suberin, which makes them impervious. बेटा impervious का मतलब होता है पानी अंदर नहीं जा सकता है. Impervious means water's entry is not allowed. या water's entry is very hard. It is very hard. Okay, Anjana, very well. बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग. Animals in which the cells are arranged in three embryonic layers are called, are called what? जिन जंतुओं में कोशिकाएं तीन भ्रूणिक परतों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहा जाता है. Diploblastic ectoderm, triploblastic endoderm. Okay, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका. जल्दी बताइए, ओके डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर एंडोडर्म. करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा बेटा, नाम अपने आप में ट्रिप्लोब्लास्टिक सजेस्ट कर रहा है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक. It is triploblastic form of animals that the embryo is arranged in a three-layered structure. Three-layered structure hota hai beta. Kaun-kaun si layers hoti hain? Pehli layer hai ectoderm. Dusri layer hai mesoderm. Teesri layer hai endoderm. Okay?
मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मेजोरिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिवाय स्पंजेस के और सेलेंट्रेट्स के। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल पर, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, पदार्थ कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन डैश द्वारा किया जाता है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेल्यूलोस, लिग्निन, काइटिन या ग्लाइकोकैलिक्स, या ग्लाइकोकैलिक्स। कोई बात नहीं विश्वजीत, डजंट मैटर बेटा, गलत आंसर है सही करेंगे। ओके सिंह एट दिवास 41, ओके सेल्यूलोस। अंजना का आंसर है सेल्यूलोस, विश्वजीत कह रहे हैं सेल्यूलोस, अधिवास का आंसर है सेल्यूलोस, और यहां पर करेक्ट आंसर भी आपका सेल्यूलोस ही है। सेल्यूलोस इज द राइट आंसर गाइज, वेरी वेल। राज का आंसर ए है, जी का आंसर ए है, शुभम परमार ए। ओके बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। ओके एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और किसकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की, हेमी सेल्यूलोस की और पेक्टिन की, पेक्टिन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, निम्नलिखित कोशिका अंगक में से किसे एक कोशिका को आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, अंतःपृद्वीय जलिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके यहां पर आंसर फिर से दोबारा आना शुरू होगा यहां पर, ठीक यहां पर, ओके शुभम, अंजना, सिंह, राइबोसोम्स, ओके बॉडी टेक, दिनेश का आंसर है ए, जी ने आंसर दिया है ए यहां पर, ओके सिंह कह रहे हैं लाइसोसोम्स, ठीक है बिल्कुल सही, लाइसोसोम्स, ओके फाइन करेक्ट। राज का आंसर है ए, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, द करेक्ट आंसर हियर इज लाइसोसोम्स, दे आर द सुसाइड they are the suicide bags of the cell, ठीक है। क्यों कहते हैं suicide bags? क्योंकि इनके अंदर present होते हैं hydrolytic enzymes, hydrolytic enzymes, जो एक प्रक्रिया होती है autolysis की, उसी को perform करते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत अपनी खुद की cells को जो है वो मार डालते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो लाइक नहीं हुए हैं, वीडियो लाइक करो बेटा, वीडियो लाइक नहीं हो रहा है, गलत बात है भाई, वीडियो जितने लोग देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करो। थोड़ी सी जानकारी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा, ये मेरा अनअकैडमी के कोर्सेज हैं, श्रीकांत सर शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस कोर्सेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट कैटेगरी के लिए बेस्ट यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, रेगुलर लाइव क्लासेस, नोट्स, क्विजेज और बहुत ही अमेजिंग मेंटरशिप जरूर आपको मिलेगी। दिनेश वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बाकी लोग देखो भाई दिनेश ने कर दिया, बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया और वीडियो का देख रहे हैं तो प्लीज बेटा वीडियो को जरूर लाइक करो, क्या घिस जाएगा भाई वीडियो को लाइक करने में। अगला, दिस इज माय अनअकैडमी पेज बेटा, इस अनअकैडमी पेज पर आप लोग मुझे आकर के मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस के लिए फॉलो कर सकते हो बेटा, रोजाना लगभग लगभग ये लाइव जो लाइव क्लासेस है ये मेरी हो रही है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, फ्री क्लासेस है ये, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आकर के देखो आप पे बस, आज दोपहर को 2 बजे है। ओके बेटा मैंने बताया ना जुलाई एंड में या फिर अगस्त के पहले वीक में चालू हो जाएगा दिनेश, जय हिंद राज। ये अगेन मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर, ठीक है, तो यहां पर आप 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप मेरा ये रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, निम्नलिखित में से किसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क है, एंट, एलिफेंट, डॉल्फिन, ह्यूमन बीइंग, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
एंट एलिफेंट डॉल्फिन ह्यूमन बीइंग चीटी हाथी डॉल्फिन मनुष्य मतलब उसका दिमाग उस और उसकी अगर बॉडी साइज को कंपेयर किया जाए तो दिमाग उसका कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है. करेक्ट आंसर यहां पर हम लोग देख लेते हैं. द राइट आंसर हेयर वुड बी नॉट चीटी बट इट इज अ डॉल्फिन. जो डॉल्फिन मछली होती है उसका दिमाग काफी बड़ा होता है इन प्रपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज. उसकी बॉडी साइज की तुलना में हम लोग देखेंगे उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है. अगले सवाल पर बढ़ते हुए जल्दी से. Which of the following is an egg-laying mammal? निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपाई है? कोई बात नहीं दिनेश. अगला सवाल देखते हैं. Egg-laying mammal आपको बोल रहा है, अंडा देने वाला स्तनपाई. जल्दी. मंगूस यानी कि नेवला, प्लैटिपस व्हेल मछली, मोल. करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए. ओके शुभम कह रहे हैं प्लैटिपस, सिंह कह रहे हैं व्हेल, अंजना कह रही है ऑप्शन बी प्लैटिपस, विश्वजीत का आंसर है व्हेल. चलिए भाई देख लेते हैं. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके डबल बाइल्ड प्लैटिपस होता है बेटा. प्लैटिपस इज अ मैमल दैट लेग एग. यही एक्सेप्शन है. बाकी सभी मैमल्स जो हैं ऑल द अदर मैमल्स वो ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं बच्चा, अंडा नहीं होता है. अंडा जो है वो डक बाइल्ड प्लैटिपस, ये डक बाइल्ड प्लैटिपस ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है बेटा. ये ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत मिलेगा ये डक बाइल्ड प्लैटिपस ओनली मैमल राइट. अगला सवाल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? ओके किंगडम फाइलम और डिवीजन ऑर्डर क्लास फैमिली जीनस स्पीशीज. किंगडम फाइलम और डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज. किंगडम फाइलम और डिवीजन फैमिली ऑर्डर क्लास जीनस स्पीशीज. किंगडम फाइलम और डिवीजन क्लास जीनस फैमिली ऑर्डर या फिर स्पीशीज. जल्दी से अपना सही जवाब बताइए मेरे को. करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है यहां पर? What is the correct order of classification, students? जल्दी से बताइए. Okay, correct यहां पर हो जाएगा जो taxonomic जो criteria होता है बेटा वो होगा आपका सबसे पहले domain, फिर आता है आपके पास kingdom, kingdom से छोटा आता है phylum, phylum से छोटा होता है class, class के बाद आता है order, उसके बाद आता है family, उसके बाद आता है genus. अंत में आता है आपके पास स्पीशीज. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसको बोलते हैं. ठीक है ओके अगले सवाल पर बढ़ते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए. कटलफिश बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम? कटलफिश का संबंध डैश संघ से है. जल्दी से बताइए. देखिए बेटा जल्दी से. ओके स्टूडेंट्स चलिए अगला. कटलफिश. ओके डजंट मैटर विश्वा कोई बात नहीं है कोई बात नहीं. कॉमेडी कंटेंट ए. ओके यहां पर है इकाइनोडर्माटा मोलुस्का एनलिडा पाइसिस. करेक्ट आंसर जो होता है बेटा यहां पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी.
ओके, यहां पर हो जाएगा आपके पास मोलुस्क, एकाइनोडर्म्स नहीं बनेगा बेटा, मोलुस्का, मोलुस्का फैमिली से बिलोंग करता है बेटा। कटलफिश और कटल्स आर मरीन मोलुस्क्स ऑफ द फाइलम मोलुस्का। क्लास यहां पर देकर के रखा हुआ है सिफेलोपोडा, सब क्लास देकर के रखा हुआ है कोइलॉइड्स, ऑर्डर यहां पर देकर के रखा है सेपीडा, और किंगडम देकर के रखा हुआ है आपका एनिमिलिया। एग्जाम्पल जो है मोलुस्क्स के वो कौन से हैं, स्क्विड, ऑक्टोपस, कोलासल स्क्विड, गैस्ट्रोपॉड। अभी वो एक फिल्म नहीं आई थी कॉन्ग, कॉन्ग आइलैंड एक था ना, कॉन्ग, कॉन्ग करके एक पिक्चर आई थी, उसमें बहुत बड़ा सा वो गोरिल्ला टाइप का होता है जो उसकी लड़ाई दिखाते हैं स्क्विड के साथ ही, मार डालता वो उसको, यस वही, वो सब मोलुस्का ही है। ओके, अगला सवाल, व्हिटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू हाउ मेनी किंगडम्स, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। हाँ, वो उसमें जो कॉन्ग जो बना है उसकी जो पहली पिक्चर आई थी स्कल आइलैंड, करेक्ट, स्कल आइलैंड, हाँ करेक्ट यार, क्या गजब पिक्चर बनाया था भाई कॉन्गिया, हाँ कॉन्गिया। व्हिटेकर ने कितने राज्यों में जीवों को वर्गीकृत किया, ओके कितने राज्यों में व्हिटेकर ने वर्गीकृत किया, तीन, पांच, सात या फिर नौ। जो व्हिटेकर का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन था, व्हिटेकर्स टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कितने लोगों को यहां पर, कितने मतलब कैटेगरीज में बांटा, विश्वजीत कह रहे हैं पांच करेक्ट आंसर यहां पर, शुभम कह रहे हैं सात, बाकी कॉमेडी कंटेंट उनका है पांच, बिल्कुल सही, और करेक्ट आंसर देख लेते हैं यहां पर, द राइट क्लासिफिकेशन इज फाइव। ओके, पांच क्लासिफिकेशन में बांटा, कौन कौन सी थी बेटा वो पांच क्लासिफिकेशंस, सबसे पहले थी किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा किंगडम प्लांटे, चौथा किंगडम फंजाई, और पांचवा है किंगडम एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे, फंजाई या फिर एनिमिलिया। ओके, ये पांच तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो किया हुआ है। बैसिली आर बैक्टीरिया विच आर, बैसिली बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप्ड है, रॉड शेप्ड है, स्पाइरल शेप्ड है या फिर स्पेरिकल शेप्ड है। ओके, जल्दी से बताइए बेटा करेक्ट आंसर। ओके, जल्दी जल्दी, बैसिली या बैक्टीरिया वो चार, क्या शेप होता है, कॉमा का आकार होता है, छड़ के आकार का होता है, कुंडली आकार का होता है या गोलाकार होता है। राज का आंसर है ए या फिर सी, कॉमेडी कंटेंट बोल रहे हैं सर ए, बाकी लोग भी, भैया जितने लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक करो भाई, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। ऑल दोज हु आर वॉचिंग प्लीज लाइक द वीडियो। करेक्ट आंसर यहां पर इज रॉड शेप, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंह एकदम सही, यहां पर रॉड शेप होता है बैसिलस, जिसको हम लोग बैसिलाई बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहां पर आपको देकर के रखे हुए हैं, स्पेरिकल कॉक्यूस, कोकाई वाला बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप में, कॉमा शेप्ड विब्रियम, ये विब्रियो कॉलोनी वो होता है, स्पाइरल स्पाइरुलम, ये होता है स्पाइदला, ठीक है। अगला सवाल, मेन कून, रैगडॉल एंड सोमाली आर द ब्रीड्स ऑफ, मेन कून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, नन, कुत्ता, बिल्ली, हाथी या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताइए बेटा।
एकदम सिंह एट देवास तो छाए हुए हैं, सही पे सही, सही पे सही। बहुत तेज हो रहे बेटा हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको आगे। मेन कून इज, मेन कून हो गया, रैगडॉल हो गया, करेक्ट आंसर इज ये कैट्स की कैटेगरी है बेटा, कैट्स। ओके, वो देखते हैं ना फ्लफी एकदम सी, क्या ये हमारी हिंदुस्तानी कैट है? नहीं, नॉट हमारी हिंदुस्तानी बिल्लियां। ओके, वो जो होती है जो यूएस में जो स्टुअर्ट लिटिल एक फिल्म आई थी उसमें वो बड़े बड़े स्नोबेल होता है अलग से, मतलब बाल ही बाल भरे होते हैं। ओके, तो वो जो कैट्स होती हैं वो मेन कून, डोमेस्टिकेटेड ब्रीड ऑफ कैट्स। ओके, चलिए अगला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूज्ड बाय प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? मैक्सिलिया, फ्लैजिला, एपीमेरा, काइमेरा? ओके, जल्दी बताइए। विश्वा का आंसर था बी। ओके, अंजना से डी। अच्छा, पिछले वाले के लिए। ओके फाइन, अंजना इस वाले का आंसर दे दो क्या बेटा, डी। अच्छा, 17 का था। ओके फाइन, ठीक। जल्दी जल्दी आंसर्स निकालिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए और वीडियो लाइक करते हुए चलो भाई। वीडियो लाइक नहीं करोगे ना यार बड़ा बुरा लगेगा भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। वीडियो लाइक कर दो भाई, दिल से बुरा लगता है। जल्दी भाई तो बताइए, प्रोटिस्टा लोकोमोशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हिच, ओके, व्हाट इज द फीचर फॉर लोकोमोशन? ओके, सो यहां पर आप देखिए लोकोमोशन के लिए अगर हम लोग बात यहां पर करते हैं तो प्रोटिस्टास जो है एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके, विश्वा का आंसर है बी, अंजना का भी आंसर है बी। ओके, प्रोटिस्ट सेल्स में कंटेन सिंगल न्यूक्लियस और मेनी न्यूक्लियाई। ओके, मोस्ट प्रोटिस्ट्स आर मोटाइल एंड जनरेट मूवमेंट विद सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडियम। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है जो कि एक प्रोटिस्टा है वो चलता है सीलिया की वजह से, अमीबा जो होता है वो इस्तेमाल करता है स्यूडोपोडिया को। ओके, यूग्लिना जो होता है वो इस्तेमाल करता है फ्लैजिलम को। तो यहां पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लैजिला। ओके, ऑप्शन बी फ्लैजिला इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हुए, द बॉडीज ऑफ पेंगुइन्स आर डैश एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग देम गुड स्विमर्स। पेंगुइन का शरीर डैश होने और पैरों में जाल होने से वह अच्छे तैराक होते हैं। पेंगुइन का शरीर कैसा होता है, भारी, फेदरी, स्ट्रीमलाइंड या फिर ऑयली? जल्दी जल्दी भाई, बताइए बेटा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहां पर बिकॉज, यस एब्सोल्युटली सिंग एट देवास, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, दे आर बेसिकली स्ट्रीमलाइंड। ओके, स्ट्रीमलाइंड होते हैं, सर बड़ा होता है, गर्दन बिल्कुल ना के बराबर होती है और स्ट्रेट बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी। द लेग्स एंड The webbed fits are set far back on body and gives penguins their upright posture on land. पूरे तरीके से खड़े हो जाते हैं ऐसे, ये अपने पैर कुछ इस तरीके से रख लेते हैं बेटा और फिर ये लोग चलते हैं ऐसे। ठीक है, कभी आप पेंगुइन्स का मूवमेंट देखना, मेडागास्कर एक फिल्म आई थी, ओके, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, बड़े ही फनी पेंगुइन्स थे वो। चलिए, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स,
संदीप कुमार आर्मी बॉय 1600 मीटर टारगेट लेकर के चल रहा है लड़का, बहुत सही, बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया। ओके, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स, किस संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं? मॉलुस्का, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। मॉलुस्का, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, बताइए। जॉइंट, जुड़े हुए पैर होते हैं, जुड़े हुए पैर कौन से फाइलम में आपको मिलेंगे? तो जुड़े हुए पैर आपको मिलते हैं आपका जो आर्थ्रोपोडा है, इनमें सेगमेंटेड बॉडी, एंड जॉइंटेड लेग्स। सेगमेंटेड बॉडी एंड जॉइंटेड लेग्स ये यहां पर आपको मिलते हैं, ये आपको यहां पे देखने को आता है, ठीक है। अगला, थोड़ा सा अपने जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर जिसको आप एक्सेस कर सकते हो उनके बारे में बता दूं। श्रीकांत सर, श्योर शॉट सक्सेस कोर्सेज, अपनी CDS, CAPF और AFCAT कैटेगरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ये जो कोर्सेज हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे बेटा। यहाँ पर आपको मिलेंगी रेगुलर लाइव क्लासेस, रेगुलर नोट्स, अमेजिंग, बहुत शानदार क्विजेस और बहुत ही अच्छी मेंटरशिप। ओके, साथ ही साथ ये मेरा अनअकैडमी का पेज है बेटा, आप इसको जरूर से जरूर फॉलो कर सकते हैं। इस आप इस पेज को आप फॉलो करेंगे तो आपको मेरी जो जितनी भी ऐप पर लाइव क्लासेस हो रही हैं उन सभी के बारे में आपको फ्री में जानकारी मिल जाएगी। एंड मोर ओवर आप एक बात ये समझिए, अनपेड क्लासेस हैं। इस समय बहुत अच्छा पॉलिटी का सेगमेंट मैं कवर कर रहा हूँ, दो दिन पहले कोर्स स्टार्ट किया है, तो आज दोपहर को 2 बजे ऐप पर जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे को। पॉलिटी में बहुत अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है, ओके, पूरा एक्सप्लेनेटरी पार्ट चल रहा है, अनपेड क्लासेस हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आइए बैठिए, सेशन का पूरा नॉलेज उठाइए वहां पर। अगेन एक बार और मेरा रेफरल कोड श्रीकांत सर, ये देख रहे हैं आप लोग, श्रीकांत सर, ओके, चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो 10% ऑफ आपको मिलेगा अनअकैडमी के अगले सब्सक्रिप्शन पर। नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जीडी भी होता है और आपके एसएसबीज की भी मेंटरिंग मैं करता हूं, ओके, यस विशाल, एकदम सही, थैंक यू देवास, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को मंजूरी देता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, या चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। भैया बहुत ही बचपन में 9वीं 10वीं में जब पहली बार आया था तो गले की फांस बन गया था ये टर्म, IUPAC, IUPSC, IUPSC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, IUPAC, ये एकदम आपका यहां पर सही जवाब है कि ये वो संस्था है जो क्या करती है, एलिमेंट्स के नाम में प्रूफ करती है। यू आर वेलकम विशाल, यू आर वेलकम। वीडियो अगर, अरे ये देखो गलत बात, मजा ले रहे हैं सब, वीडियो अभी तक लाइक नहीं हुआ है, बहुत लोग हैं लाइक नहीं किए हैं, तुरंत लाइक करो, ओके। एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स उनके, उनकी यूनिट्स क्या क्या है, एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारा काम क्या करता है, ये कौन करता है, IUPSC करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जॉय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजना, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। बॉस म्यूटस इज द साइंटिफिक नेम फॉर, बॉस म्यूटस,
Sir, is 3rd January 1997 eligible for CDS to kindly reply, sir? I'm badly drained by this confusion. Sir, 3rd February 1997, na? Ek second, rukja, beta. Haan, completely eligible. Totally eligible. Totally, beshak. Koi shak hi nahi hai, Priti, ekdam. Taiyar ho jao. July end ya August shuruaat mein aa raha hai form. You are all eligible. Okay. Boss mutus is the scientific name for. Boss mutus kiska vaigyanik naam hai? Wild yak, horse, ox ya phir buffalo. Jungli yak, ghoda, bell ya phir bhains. Okay. Boss mutus. Any suggestions, any ideas? Jaldi jaldi bataiye beta. Boss mutus. Chaliye. Correct answer. Wild ye ho jayega wild yak. Iska naam hota hai boss mutus. हॉर्स का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है इक्वस कबालस. ऑक्स का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है बॉस टॉरस. बफेलो का जो नाम होता है साइंटिफिक वो होता है बुबालूस बुबालीस. ओके, बुबालूस बुबालीस. बुबालूस, वेरी नाइस. ओके, फनी नाम है, देखो कितना. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. बेटा 21 इयर्स, आप एक चीज ये समझो ना, मतलब एलिजिबिलिटी इज व्हाट? एलिजिबिलिटी इज 21 इयर्स. वन हैज टू बी 21 इयर्स, राइट? वन हैज टू बी 21 इयर्स प्लस 21 साल से बड़ा होना है. आप देखो ना, यू आर रनिंग 21 आपका लग गया है, 21 साल और कुछ महीने आपकी उम्र होगी अभी. इफ 3rd February इज योर बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप एक चीज ये समझो कि यू कंप्लीटेड योर 21st ईयर दिस ईयर. तो आप इस समय 21 साल और लगभग 3 महीने के हो, यू आर टोटली एलिजिबल. ओके, चलिए. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल. वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का, भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड. एक नाम यहां पर इंपॉर्टेंट और देकर के रखा है, रेटिनॉल. रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम. ओके, बाकियों के भी नाम आपको देकर के रखे हैं. कैल्सीफेरॉल हम लोग बोलते हैं विटामिन डी को. फॉलिक एसिड हम लोग बोलते हैं विटामिन B9 को. विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायामीन. विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन. विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल. और विटामिन के को हम लोग बोलते हैं फाइटोमेनाडियोन. फाइटोमेनाडियोन. ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए. Gazella Bennetti is the scientific name of. Gazella Bennetti is the scientific name of. या फिर Gazella Bennetti किसका वैज्ञानिक नाम है? हाथी, elephant, lion, शेर, चिंकारा. Okay, wild ass या फिर जंगली गधा. जल्दी से बताइए क्या नाम हो जाएगा जवाब इसका. जल्दी बताइए. करेक्ट आंसर यहां पर आपका निकल करके आ रहा है, चिंकारा. एलिफेंट का नाम होता है एलिफेस मैक्सिमस.
लॉयन का नाम होता है पैंथेरा लियो, चिंकारा का नाम होता है गजेला बेनेटी, वाइल्ड एस का नाम होता है इक्वस अफ्रीकैनस। ओके चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हुए हम लोग। बहुत बढ़िया अंजना, बहुत बढ़िया जॉय, माउंटेन लाइफस्टाइल। सर बस एक लास्ट, क्या हाँ सॉरी 24 यार, माय बैड। ओके हाँ ठीक है ना बेटा, 24 यस करेक्ट। सॉरी यार गलती से, मैं एक्चुअली मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा था, आई से 21 नहीं, यार 24 करेक्ट, आई कंप्लीटेड 24 ऑन फरवरी 21। हाँ तो बेटा इसमें क्या दिक्कत है, ओके रुकिए प्रीति, अभी आपका इशू मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, रुको जस्ट वेट अ सेकंड। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मॉल पैटिस केफर, यूडीनेमिस स्कोलो पैकस, स्टिकुला यूपटारिया, पैवो क्रिस स्टेटस। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहां पर देख लेते हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम होता है पैवो क्री स्टेटस, पैवो क्री स्टेटस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओके ठीक है भाई, तो ये तो था भैया हमारा आज का सेशन, ओके ये तो था हमारा आज का सेशन, राइट, एंड आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आप लोगों को। जिन लोगों को भी पसंद आया है प्लीज वीडियो को शेयर करें, ऑल्सो बेटा प्लीज मेरा जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे आप उसको भी परचेज कर सकते हो। ओके एक साल का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद 7920 रुपीज का आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा एक साल का। ठीक है, सो काइंडली गो फॉर इट, राइट। तो बस बेटा ये था आज का सेशन, बाकी अभी ओके प्रीति जस्ट वेट अ सेक बेटा, आपकी क्वेरी मैं अभी देख लेता हूँ, अभी हाल देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। योर डेट ऑफ बर्थ इज 3 फरवरी 1997, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, अभी आपको बता दे रहा हूँ। ओके यहां पर बेटा एक चीज देखो प्रीति, आपका जो क्वेरी है बेटा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। Are you there? हाँ बेटा, are you there? प्रीति, you there बेटा? हाँ, okay, yes. See प्रीति, जो अभी मैंने देखा 2021 का जो CDS का notification आया है, उसमें बोला है the candidate लड़कियों के लिए बोला है the candidate should not have born before January 1996. जनवरी 1996 से पहले पैदा ना हुआ हो, ओके? और जो अब की वाला जो आएगा, जो अभी वाला जो आएगा आपका,
ओके, जो अभी वाला आएगा सेकंड वाला, उसमें आपको बोलेगा जुलाई 1996 से पहले ना पैदा हुआ हो, तो आपका तो बेटा फरवरी 1997 का है ना। इनफैक्ट टेक्निकली अगर देखें तो यू आर एलिजिबल फॉर द सीडीएस 2 एज वेल, और उसके साथ साथ अगले साल का भगवान ने चाहे तो सीडीएस 1 के लिए भी एलिजिबल हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा प्रीति। ओके दिस इज श्योर शॉर्ट, दिस इज कंफर्म। ओके कोई कंफ्यूजन मत रखो, यू आर टोटली एलिजिबल फॉर सीडीएस 2 हैपनिंग दिस ईयर, अंडरस्टैंड, यू आर टोटली एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, चलो क्लियर है, क्वेरी हो गई बेटा तसल्ली। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। Please guys, all those who are watching, kindly share the video, please. Video share karna zarur se zarur. Okay? Thank you very much guys. Bye-bye, take care.